तो Realme ने रिसेंटली अपने नए स्मार्टफोन Realme X2 Pro को चाइना में लॉन्च करा है और ये स्मार्टफोन सच में काफी ज्यादा कमाल के स्पेक्स के साथ आता है और ये स्मार्टफोन अब इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, जिसे लेकर ऑफिशियली कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि Realme X2 Pro आखिरकार इंडिया में लॉन्च कब होगा, साथ ही आपको बताऊंगा इस स्मार्टफोन के कुछ खास फीचर्स के बारे में। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो रिसेंटली Realme ने अपने नए स्मार्टफोन Realme X2 Pro को चाइना में लॉन्च करा था और ये स्मार्टफोन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग स्पेक्स के साथ आता है और अब ये स्मार्टफोन इंडिया में भी लॉन्च होने वाला है, जिसे लेकर कंपनी ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है और इस स्मार्टफोन को लेकर एक टीजर भी आउट करा गया है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। और Realme अपने इस स्मार्टफोन का लॉन्चिंग इवेंट जो है वो दिल्ली में ऑर्गेनाइज करने वाला है और ये इवेंट स्टार्ट होने वाला है 12:30 बजे से, और इसके अलावा इस टीजर में ज्यादा कुछ मेंशन नहीं करा गया है। तो अब अगर बात करें इस स्मार्टफोन के हाइलाइटेड फीचर्स के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें 6.5 इंच का फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड फ्लूइड डिस्प्ले दिया गया है जो कि 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो कि सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। साथ ही डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए इसमें हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है और स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के लिए इसमें हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जो कि स्नैपड्रैगन का अब तक का लेटेस्ट प्रोसेसर है और इस प्रोसेसर के हेल्प से स्मार्टफोन का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। तो अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरे के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के बैक साइड में हमें क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है जहां पे मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का दिया गया है जहां सैमसंग GW1 सेंसर का यूज करा गया है, सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है और थर्ड जो कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल कैमरा और लास्टली फोर्थ जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर है। इसके साथ ही इस स्मार्टफोन में हमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है। तो अब अगर लास्टली बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो इस स्मार्टफोन में हमें 4000mAh का बैटरी दिया गया है जो कि 50 वाट के सुपर वोक चार्ज को सपोर्ट करता है, जिसकी हेल्प से स्मार्टफोन जो है वो सिर्फ 30 मिनट में फुल चार्ज हो जाएगा। तो अब अगर बात करें इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, तो ये स्मार्टफोन फिलहाल चाइना में लॉन्च हो चुका है और अगर चाइनीज प्राइस को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बताऊं तो इस स्मार्टफोन की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो 27,200 rupees रखी गई है और इस प्राइस रेंज में हमें 6GB प्लस 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। साथ ही इसका दूसरा जो वेरिएंट है वो 8GB प्लस 128GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आता है जिसकी जो प्राइस है वो 29,200 rupees रखी गई है। और लास्टली इसका थर्ड वेरिएंट जो कि इस स्मार्टफोन का हायर वेरिएंट है वो 12GB प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है जिसकी जो प्राइसिंग है वो 33,200 rupees रखी गई है। तो ये था Realme के नए स्मार्टफोन Realme X2 Pro के इंडिया में लॉन्चिंग डेट और इसके कुछ फीचर्स को लेकर एक छोटा सा अपडेट। नीचे कमेंट करके बताना कि जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो आपके हिसाब से कितना होना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके पूछ लेना अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है, साथ ही शेयर कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि उन्हें भी इसके बारे में पता चल सके। और इसी तरीके के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।